हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्पाइसी रिएक्शन। तो गाइस, आज की वीडियो का आगाज करते हैं जी इकबाल के शेर से। इकबाल कहते हैं कि दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। क्या बात है। तो जो खुदा है, गॉड, आपके इधर दिल में होना चाहिए। बिल्कुल। तो चले, आज का वीडियो जो है वो पहले उसकी तरफ भी बढ़ते हैं और आपको टाइटल बता देते हैं। थंबनेल टाइटल आपने देख ही लिया होगा, न्यू इंडिया G20 दिल्ली रोड्स ब्यूटिफिकेशन, दिल्ली कंटिन्यूज टू अमेज विद G20 समिट, दिल्ली एयरपोर्ट। ये टाइटल है इस वीडियो का। तो करें प्ले फिर। हाँ जी। तो चलें जी, आज का वीडियो देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। हेयर वी गो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में और ये जो वीडियो है ये हमारी G20 ब्यूटिफिकेशन की 5वीं वीडियो होने वाली है। सामने आप देख सकते हैं G20 का जो है वो आगाज हो चुका है, तो सारा जो ब्यूटिफिकेशन है आज हम देखने वाले हैं। अभी हम सबसे पहले जिस जगह पर आए हैं ये है G20 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड, इंदिरा गांधी रोड, जो कि एयरपोर्ट की तरफ जाती है। यहाँ पर काफी सारा ब्यूटिफिकेशन का काम हुआ है और ये सामने अगर आप देखें तो ये फ्लैग्स लगाए गए हैं जो कि वेलकम करते हैं अपने डेलीगेट्स को जो कि G20 को अटेंड करने आएंगे। और यहाँ पर काफी सारा जो ग्रीनरी का काम है, फ्लावर्स है, ये सब लगाए गए हैं। आगे आपको स्टैचूज और फाउंटेन्स भी दिखेगा और काफी कुछ दिखेगा यहाँ पर आपको ब्यूटिफिकेशन का, और काफी अट्रैक्टिव वे में बनाया गया है। सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाउंटेन लगाए गए हैं। दिल्ली के अंदर लगभग 100 से ज़्यादा जो है फाउंटेन्स लगाए गए हैं इस वक्त, और जो हमने पहले की वीडियोस भी आपको दिखाई थी उसमें भी काफ़ी सारे जो फाउंटेन्स हैं वो आपने देखे होंगे, और उसी तर्ज पर यहाँ पे भी ये फाउंटेन लगाया गया है। पहले अगर आप इस रोड पर आते तो इस तरफ का जो एरिया था काफ़ी डस्टी और अनइवन सा था, लेकिन अब अगर आप देखें तो पूरा का पूरा जो है जो पौधे हैं उनका प्लांटेशन कर दिया गया, फ्लावर्स लगा दिए गए हैं, सिटिंग का जो एरिया है वो भी यहाँ पे बनाया गया है। और सामने अगर आप देखें तो ये है यहाँ का सबसे ब्यूटीफुल जो स्टैचू है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। काफी विशाल प्रतिमा बनाई गई है ये, और इसके साथ में बहुत ही लाइफ लाइक भी लगती है। ऐसी दो जो है स्टैचूज वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे रोड की दोनों तरफ। समय के साथ दिल्ली के अंदर जो ये ब्यूटिफिकेशन किया जा रहा है और जो ये नवीनीकरण दिल्ली के अंदर आया है, और जो फुटपाथ्स हैं, रोड्स हैं, जिस तर्ज पे बन गई हैं, आप अगर दिल्ली में रहते हैं या बाहर से आते हैं तो आपको दिल्ली के अंदर अब घूमने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओपन जो रोड्स हैं वो बन गई हैं, वाइड जो पाथवेज हैं वो बने हुए हैं, और ऐसे जैसे जो आप देखें तो फव्वारे जो हैं आपको मिलेंगे हर तरफ, और पानी की जो आवाज़ है काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग लगती है। आप यहाँ से हम आगे का ब्यूटिफिकेशन देखते हैं जो यहाँ पे बनाया गया है, और यहाँ पर आपको ये जो है एरोप्लेन्स आते हुए जरूर देखेंगे, क्योंकि ये पूरी रोड जो है जैसे मैंने आपको बताया डोमेस्टिक एयरपोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाती है। तो अगर ऐसे माहौल में आप वॉकिंग करते हैं, आराम से बैठते हैं और ऊपर से एरोप्लेन्स को जाते हुए देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। यहाँ से आगे अगर आप देखें राउंड अबाउट पे तो आपको वहाँ पर भी काफ़ी सारे जो हैं स्टैचूज दिखने वाले, वो मार्बल में बनाए गए हैं। यहाँ पे ये लेफ्ट में अगर आप देखें तो एक और फाउंटेन है, और यहाँ पे जो है जो हॉर्स है उसको दर्शाया गया है। इस स्ट्रेच पे आपको एनिमल्स के काफ़ी सारे जो है स्टैचूज दिखने वाले हैं, एलिफेंट भी आगे हम दिखाएंगे, शेर, एलिफेंट और हॉर्स जो है वो आपको यहाँ पर उनके जो है नज़र जरूर आएंगे स्टैचूज। और ये जो है ये आप देखें तो 3 लेयर में जो फाउंटेन्स है वो बनाया गया है। यहाँ से हम चलते हैं देखने हैं जो मार्बल में, सामने अगर आप देखें तो ये जो बब्बर शेर है ये मार्बल में यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं जब धूप इन पे पड़ती है तो जो वाइटनेस है इनकी काफ़ी ज़्यादा निखर के आती है। अभी आप देखें तो काफ़ी ग्लो कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट जो सनलाइट है इन पर आ रही है।
और अगर आप फुटपाथ पे चलते हैं और रास्ते को कवर कर रहे हैं और ऐसी प्रतिमाएं आपको दिखें तो जरूर आपको चलने में घूमने में काफ़ी ज़्यादा आनंद आएगा। और यही इस जो ब्यूटिफिकेशन का पर्पज़ है वो है, अगेन आप देख सकते हैं एक और आपको एरोप्लेन जाता हुआ दिख जाएगा। अभी हम यहाँ पे चलते जाएंगे तो काफ़ी हमें दिखेंगे, सामने जो है वो रास्ता था एयरपोर्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट का, और यहाँ से एक और जो इस सर्कल पे आपको फाउंटेन नज़र आ जाएगा। सामने अगर आप दूर देखें तो एक स्क्रीन जो है आपको नज़र आ जाएगा, वहाँ पर आपको हम लेके चलते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी सारा ब्यूटिफिकेशन हुआ है। और ये जो सौंदर्यीकरण है दिल्ली का, ये हर तरफ आप देख सकते हैं, चाहे वो सेंट्रल दिल्ली की तरफ हो चाहे एयरपोर्ट की तरफ हो। अगेन एक और एयरोप्लेन आपने देख लिया, अभी तक 3 से 4 एरोप्लेन जो है हमने आते जाते देख लिए, और फाउंटेन्स भी लगभग हमने 4 से 5 यहाँ पर देख लिए। सामने आपको एक और नज़र आ जाएगा। तो दिल्ली के अंदर जो स्कल्पचर्स हैं, स्टैचूज हैं, लगभग 100 के करीब लगाए गए हैं, फाउंटेन 100 के करीब लगाए गए हैं, 7 लाख प्लांट्स हैं वो लगाए गए हैं। यहाँ सामने इस स्क्रीन पर आपको G20 के बारे में काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहती है। और यहाँ से भी अगर आप लेफ्ट की तरफ देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी सारा सौंदर्यीकरण किया गया है, उसी तर्ज पे जैसे हमने राइट में देखा था। फाउंटेन्स आपको मिलेंगे, जो स्टैचूज है सिमिलरली उसी साइज़ का और उसी डिज़ाइन का यहाँ पर मिलेगा, और जिस तरीके से उस तरफ ये ग्रीन पैच लगाया गया था वैसा ही यहाँ पर भी मिलेगा। और ये जो रास्ता है आप कह सकते हैं ये इस तरफ का रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है, और जो दूसरी तरफ हम आए थे वो दिल्ली से एयरपोर्ट की तरफ जाता है, तो दोनों तरफ आपको ये डिज़ाइंस मिलेंगे। देख सकते हैं दोनों तरफ ये राइट का एरिया है, और लेफ्ट में जहाँ से हमने शुरुआत की थी इस वीडियो की उस तरफ भी यही पैटर्न आपको दिखेगा ब्यूटिफिकेशन का। आप देखें तो ग्रीनरी जो है काफ़ी ज़्यादा हर तरफ आपको दिखेगी ही दिखेगी। दिल्ली है भाई। अगेन आप देख सकते हैं एक और जो एरोप्लेन है हमें दिख गया है। यहाँ से हम आगे की तरफ जा रहे हैं और ये जो रास्ता है ये एरो सिटी की तरफ जाता है, और यहाँ पर जो है ब्यूटिफिकेशन आप देख सकते हैं, ये बैनर्स लगाए गए हैं, जो ये फुटपाथ है इसको बनाया गया है, जो ग्रीन एरिया है इसको बनाया गया। पहले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी हुआ करती थी, लेकिन अब इस जगह को भी वॉकिंग के लिए प्रॉपरली बना दिया गया है। आगे यहाँ पर आपको जो एलिफेंट के स्टैचूज हैं वो भी दिखेंगे, हम उसे भी देखेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो बस स्टैंड है जिसको ब्यूटीफुली इंटीग्रेट किया गया है इन प्रोजेक्ट्स में। राइट की तरफ आप देख सकते हैं तिरंगे का जो डिजाइन है ये बनाया गया है। जैसे हमने आपको बताया था कि इस पूरे स्ट्रेच पे आपको एनिमल्स की थीम मिलेगी, तो यहाँ पर 2 ऐसे स्टैचूज हैं एलिफेंट के, एक लेफ्ट में है एक राइट में है। जैसे हमने दूसरे स्ट्रेच के दूसरे छोर पे दिखाए थे आपको बब्बर शेर के 2 स्टैचूज जो 2 साइड्स पर थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। तो
ये था जी वीडियो G20 के अकॉर्डिंगली उन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन किया और G20 से पहले इन्होंने वीडियो बनाया है G20 से पहले है और G20 शुरू होना था और उसके बाद अब देखें कि पहले वो कह रहे थे कि ये रोड थोड़ा सा ना साइड जो थी वो डस्टी थी और अब उस उधर प्लांट्स वगैरह लगा के बहुत ग्रीनरी और बहुत अच्छा जो है वो 5 लाख से कहते ज्यादा ट्रीज लगाए फाउंटेन्स ने लुक बहुत अच्छी निकाली है एनिमल्स के स्टैचूज ने लुक बहुत अच्छी निकाली है आप ये देखिए कि सभी देश इतने देशों के वहां पे जो पीएम है प्रेसिडेंट है उन्होंने आना था और आप कैपिटल सिटी में जाते हैं किसी और एयरपोर्ट से ये दिल्ली की तरफ ये पास ही है G20 मतलब उसके लिए जो पूरा रोड है वो काफी अब अट्रैक्टिव और अच्छा लग रहा है बिल्कुल और सभी रोड्स जो हैं ठीक है यार इंडिया में गए थे बहुत अच्छा दिखने में बहुत अच्छा लगा हर चीज उनकी बहुत अच्छी क्योंकि हर किसी का यहां से गुजरना मैं हमेशा से ये बात करता हूं कि कोई भी सिटी है ना तो वो जो स्पेशली देखें एशिया की अगर हम बात करें या दूसरे देशों की भी बात करें हम तो हर सिटी के अंदर आपको एक तरफ ऐसा अक्स भी नजर आएगा कि वेरी रिच यार आपको कि ये शहर बहुत अमीर है बहुत ब्यूटीफुल है लेकिन उसके साथ साथ उसकी कुछ डार्क साइड्स भी आपको नजर आएंगे जहाँ पर आपको कुछ मतलब ओल्ड बिल्डिंग्स मिलेंगी आप कहेंगे यार ये जिसको हम पुराना बोलते हैं जैसे नया लाहौर पुराना लाहौर न्यू दिल्ली ओल्ड दिल्ली मतलब ओल्ड दिल्ली अब मुझे तो नहीं पता कि वो वहां पर है या नहीं लेकिन जैसे कि हमारे जो सिटी तकरीबन हर सिटी में हम बोलते हैं कि यार ये नया कराची है ये पुराना कराची है ये नया रहीम यार खान ये पुराना ये नया साद कबा ये पुराना तो मतलब नया वो होता है कि जो बाद में डेवलप हुआ और डेवलप सिटी का जो एरिया होता है पुराना वो होता है जो पहले के ओल्ड मतलब स्ट्रक्चर के साथ बना होता है और आप जब लेकिन उसकी भी अपनी एक हिस्ट्री एक तारीख तो होती है ना आप उसको भुला नहीं सकते आप क्योंकि आपको वो बहुत सारी चीजें याद करवाती है लेकिन चूंकि इंडिया दिल्ली हम देख रहे हैं तो कैपिटल सिटी है तो डेफिनेटली आप उसके बारे में एक अच्छा सोच सकते हैं कि यार हाँ यार अगर हम गुरुग्राम हम दूसरे सिटी अगर हम गुड़गांव वो देख रहे हैं वो इतना आउटस्टैंडिंग हम नोएडा देख रहे हैं हम दूसरे सिटीज देख रहे हैं तो डेफिनेटली जो धोलेरा बन रहा है मतलब अभी अगर हम ये सिटीज देख रहे हैं जैसे सूरत है सूरत सिटी तो मतलब तो फिर आप सोचिए कि जो कैपिटल सिटी होगा तो उसके बारे में तो आप पॉजिटिव आप रहेंगे हाँ यार ये सिटी इंडिया की जो जब दिल्ली का नाम आता है तो डेफिनेटली माइंड में एक ऐसी फ्रेश इमेज आती है आपके कि हाँ यार बहुत ही खूबसूरत होगा बहुत बढ़िया होगा और बहुत ये चीज है और कैपिटल सिटी डेफिनेटली तकरीबन जितने भी कंट्रीज है उनके बहुत ही सुंदर और डेवलप्ड होते हैं तो उनमें से दिल्ली भी एक एरोप्लेन ऊपर से कितनी गुजर एयरपोर्ट के पास बिल्कुल एयरपोर्ट के पास डोमेस्टिक एयरपोर्ट और आप वहां पर क्योंकि दिल्ली है तो हर कंट्री से हर जगह से लोकल इंटरनेशनल सभी फ्लाइट्स जो हैं वो आ रही होती हैं तो मल्टी आपको देख आप 10 मिनट बैठोगे 10 मिनट में आपको 5-6 नजर आ जाएंगे क्योंकि हर 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद जो टाइमिंग होती है वो आ रहे होते हैं प्लेन जो होते हैं और सोचो कि आप वहां पर बैठे हो उनका जो शोर एक अलग सा समा होता है जब नीचे से लैंड कर रहा होता है या उड़ान भर रहा होता है तो उसका जो साउंड होता है ना अब वो आदि हो चुके होंगे लोग जो नया बंदा जाता है ना तो वो लाजमी ऐसे करके देखता होगा लेकिन जो वहां पर रह रहे हैं वो भी डेफिनेटली वो जितने भी गुजरते होंगे एक दफा तो गर्दन ऊपर जाती होगी एक दफा तो गर्दन ऊपर जाती होगी कि भाई कौन सी एयरलाइन है ये इंडिया से अभी इंडिगो गुजर रही थी हमने देखा उसके ऊपर क्लियर नजर आ रहा था कि इंडिगो जा रही है चले नी बाकी कौन कौन हमें कहां से देख रहा है जी कमेंट बिलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रखिए बहुत सारा ख्याल दिल्ली इज वेरी ब्यूटीफुल।